हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका फ्रॉम माय किचन से। आज मैं बना रही हूँ चिवड़ा मूंगफली का नॉन फ्राइड नमकीन। कितना टेस्टी और चटपटा बनता है ये नमकीन। मार्केट के नमकीनों के मुकाबले ये बहुत ही हेल्दी नमकीन है। बस इसमें 3-4 चम्मच तेल का ही तड़का लगा है। आप इसको एक बार ट्राई ज़रूर करें। मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करें। कृपया बेल बटन दबाना ना भूलें, जिससे आपको मेरी आने वाली रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त हो। ये नमकीन बहुत आसानी से बनता है। मैंने 1 पाव कच्ची मूंगफली ली है। इसको 10 मिनट तक मैंने कम आंच पर रोस्ट किया है। बाकी की रोस्टिंग इसकी ओवन में होगी। अब इसको मैंने कढ़ाई से निकाल लिया है और अब मैं तड़का लगाऊंगी। मैंने 3-4 चम्मच तेल डाला। तेल गर्म होने पर मैंने मस्टर्ड सीड्स डाले हैं, करीब 1.5 चम्मच, और साथ में ये 1/4 टीस्पून हींग का है। मस्टर्ड सीड्स अब स्प्लटर हो रहे हैं। मैंने 3 हरी मिर्च काट ली हैं और कुछ करी पत्ते भी काट लिए हैं। ये 1/2 कप ताज़ा नारियल है, जिसे मैंने ग्रेट किया है। अब मैं इसमें कटी हुई हरी मिर्च और करी पत्ता डाल रही हूँ। इसको मैं इस तेल में थोड़ा सा फ्राई करूँगी 1-2 मिनट, जिससे अच्छा फ्लेवर आए। अब मैं इसमें कद्दूकस किया हुआ नारियल भी डाल दूँगी और इसको 2-3 मिनट तक सौते करूँगी। मैंने 1 पाव पोहा लिया है। ड्राई पोहा को एक बार चेक कर लें और इसको एक बार पेपर टॉवल से थोड़ा क्लीन कर लें। वैसे तो ये साफ ही है। इसमें मैंने 1/2 चम्मच हल्दी डाली है और अब ये पोहा भी डाल दिया है। इसको 2-4 मिनट ऐसे ही चलाना है। अब इसमें नमक और मसाले डालेंगे। अब इसमें मैं 1 चम्मच नमक डाल रही हूँ। कितना अच्छा फ्लेवर आ रहा है। अब मैंने ये बड़ा 1/2 चम्मच के करीब लाल मिर्ची इसमें डाली है। ये 1 चम्मच आमचूर है। अब इसको मैं मिक्स कर रही हूँ। मिक्सचर अभी थोड़ा थोड़ा रोस्ट हुआ है, अभी पूरा रोस्टेड नहीं है। मैंने इसमें सेमी रोस्टेड पीनट्स ऐड कर दिए हैं। अब इस मिक्सचर को मैं बेकिंग टिन में ट्रांसफ़र करूँगी। अब मैं इसमें 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल रही हूँ ट्रांसफ़र करने से पहले। इसको अब मैं 15 मिनट के लिए ओवन में रोस्ट करूँगी। इसको उलट पलट कर फिर 15 मिनट के लिए रखना है। इसको मैंने अब रख दिया है 15 मिनट के लिए ओवन में। इसको हिला के फिर से दोबारा रखना है 15 मिनट के लिए। अब यह अच्छा क्रिस्प हो गया है। इसको 5 मिनट बाद बाहर निकालें और ठंडा करें। अब इसमें 2 चम्मच पिसी हुई चीनी डालनी है। आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। तो चलिए, हमारा चटपट नमकीन तैयार हो गया है। आशा है ये आपको पसंद आया होगा। आप इसका मज़ा चाय के साथ ले सकते हैं या मिनी स्नैक की तरह खा सकते हैं। देखिए कैसे झटपट ख़त्म होता है आपका ये नमकीन। तो चलिए, मिलते हैं अगली बार एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कुक सिंपल, कुक हेल्दी, स्टे हैप्पी, स्टे कनेक्टेड। गुड बाय।